अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे जैद और जैन जो है दोनों घूमने गए थे कलिया साउथ पे, तो उन लोग वहाँ से रिकॉर्डिंग करके लाए थे। आप लोग भी देखें, इंजॉय करें और बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। ऑटो टाइप का लुक लग रहा था मस्जिद के अंदर, शर्म आ रही थी मुझे बाहर। अच्छा तो लग रहा। अब शर्म आएगी जब शर्म नहीं, गर्म नहीं, गर्म ही नहीं है तो शर्म की कैसे क्या बात। पचमढ़ी का जंगल है ये, पचमढ़ी सारी वीडियो खाली है। भोल भाल में निकल गया हूँ, यहाँ से भोपाल 103 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ से आ जाते हैं मुझे और क्या। जब पहले कितनी दुकानें लगी थी सब टुकड़ दी। जब पहले कितनी दुकानें लगी थी, पहले यहाँ से जाते थे अब रास्ते ही बंद कर दी। गाड़ी ले थोड़ी जा पानी। नहीं भैया घर चलो, नमाज का टाइम हो रहा है। मामा यार नमाज का टाइम हो रहा है, हम तो नहीं आ रहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उस टाइम ही बड़ा फोटोग्राफर आया भाई कैमरा मैन। इधर तो तालाब की अब ऊपर तो तालाब दिख गया पूरा। देखा तो निकाल दिया। अरे नो
कर रहे हैं इतने सारे, ये कितने कुत्ते का, कुत्तों का पार्क कुत्तों का पार्क, ये देखिए गाइस कुत्तों का पार्क, सारे जंगली कुत्ते, ये कुत्तों का पार्क, आइए कुत्तों का पार्क है, आइए अरे खड़ा हो जाओ तो ही से मामा, ये लड़का निब्बा निब्बी जा रहा है। हाँ आओ जाओ, कहाँ का सस्ती गाड़ी है लेके रखे वाले ने, सस्ती गाड़ी है लेके 10-15 हजार में बिकती है ऐसी गाड़ी, ये गाड़ी सस्ती वाली जागरणी यूनिवर्सिटी। शेर मामा कितना टाइम लगा गेट खोलने, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है, मगर वजू यही नहाना और कपड़े धोना, थोड़ा पिकनिक मनाना है से, नहीं हम तो यही नहीं। गाइस यहाँ पे मगर हैं तो जाने से मना कर रहे हैं अंदर, यहाँ पे कल ही एक मगर देखा था, लेकिन उनका कहना ऐसा है, ये जैन है, ये सिद्दीकी साहब हैं, ये यादव साहब हैं, और लो आई नहीं कुछ तो ये हमको भैया है, और मैं सैयद साहब हूँ, ये यादव साहब हैं, ये आजम साहब हैं, ये सैयद साहब पार्ट टू हैं, और यहाँ पे फालतूगिरी हो रही है। तो गाइस वीडियो अब शुरू हुई है, पहले वीडियो शुरू ही नहीं हुई थी, तो भोपाल का मौसम 2 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है, हर थोड़ी देर में धूप निकलती है, फिर पानी आ जाता है, फिर धूप निकलती है, तो काफ़ी लोगों की तबीयतें भी ख़राब हो रही हैं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो ज़्यादा मैंने कुछ एडिट नहीं किया व्लॉग, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएं, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।